हम लोग आए हैं गिली के शोरूम पे, और लास्ट टाइम हम गए थे एमजी के शोरूम में। आजकल हम थोड़ा सा गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं, बिकॉज इसके ब्रांड के बारे में पता, तो वो भी हाँ गिली के बारे में पता, तो वो बता दें। तो खैर गिली, मैं गिली गिली कर रही हूँ सुबह से बाबा। तो गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे बुक, वो भी विशाल के नाम पे। तो विशाल आपको कैसा लगा? ये मैं फ्लैट्स रख दूँगी वापस अंदर और अपने कंफर्टेबल जूते पहनने वाली हूँ। तो रखने ही क्या जूते, बेटा फेंक दो बाबा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीन्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी एपिसोड 4। वेल डेली व्लॉग्स का जो सिलसिला है वो हम लोगों ने स्टार्ट तो कर लिया है। मैं फुल अपनी तरफ से जो है कोशिश करती हूँ कि रोज़ व्लॉग जो है अपलोड हों, लेकिन कभी कभार जो है मेरे व्लॉग्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो उस चीज़ की वजह से माजरत आप लोगों से। तो आज का व्लॉग जो है जी स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो है ना आप मुझे देख सकते हैं कि मैं तैयार हुई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर, कुछ काम था, कुछ गाड़ी वगैरह दिखनी थी और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे काम। आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं ना, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम चीज़ें प्लान करके निकलते हैं ना, ये हमारी फैमिली में सबके साथ है कि जब आप प्लान करके निकलते हो वो चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं। तो खैर आप देखते जाइए कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। और अगर तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फूफी आपने भी जाना है हमारे साथ, हैं जो आप तैयार हो के। अच्छा ये आज सुबह से हम लोगों को तंग कर रहा है क्योंकि इसकी एक आदत पड़ चुकी है कि जब तक हम लोग साथ इसके नहीं सोएंगे ना, ये भी नहीं सोने वाला। तो ये बड़ा बेचैन हुआ है। तो जो यहाँ पे सारे तैयार हो रहे हैं, ये मेरे बाबा की स्किन केयर चल रही है इधर, और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सबसे पहले कचरा फेंकेंगे और ये गया जी। चलो चलो निकलो निकलो बाहर। मेरे घर वालों को घर से निकालना ना इतना मुश्किल काम है कि आपकी सोच है। तो अभी भी जो है मैं आई थिंक 10 मिनट्स से यहीं पे खड़ी हुई कॉरिडोर में, और कभी मम्मा इधर जा रही है कभी मम्मा उधर जा रही है। विशाल को और जोया भी को जो है नीचे भेज दिया है, और अब हम चलते हैं। फूफी जो है वो हमें देख रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं। सुलाया भी नहीं और जा रहे हैं। इसका पानी वगैरह चेक कर लो बस, और बैल्कनी खोल दो। आपने भी जाना है बाहर, आपने भी जाना है बाहर, देख रहे हैं मम्मा को। चलो आ जाओ, चलो आओ बाबा ना आ जाओ। तो ये देखिए मामा को, मेरी क्यूट सी मामा। और अभी मैं आपको अपने क्यूट से बाबा दिखाती हूँ। गलत था सही था मुझे क्या पता था। नहीं गिरती। चलो ना बाबा आ जाओ। ये डोर बंद करते हुए भी टाइम लग रहा है जी, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं आपको तब भी। चलो आ जाओ। बड़ा खूबसूरत सा वेदर है इस टाइम, और ठंडा ठंडा सा लग रहा है, और मुझे ऐसा ही मौसम बहुत अच्छा लगता है यूएई का। अगर ऐसा ही रहे पूरा साल तो क्या ही बात हो जाए। तो मिशाल जो है वो फ़ौरन से गाड़ी में आके बैठ चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी कार शोरूम में। तो वहाँ जाते हैं और फिर आपको अपडेट करती हूँ। चला लेना तू, चलो मुझे बहुत लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया वहाँ से। फिर BMW भी देखी। उस दिन हमने एक सरदारनी को खड़ा करके उससे भी पूछा, आप गाड़ी चला रही हैं ये वाली कैसी है? नहीं मैंने बोला ये कैसी है गाड़ी ना, आप देख ही रहे हैं मैं चला रही हूँ, देख रहा हूँ मगर कैसी है, अच्छी है, एक साल हो गया यूज करते हुए। कहती हाँ हो गया। तो फिर इधर एक बंदा गाड़ी पार्क कर रहा था पाकिस्तानी, भाई ये गाड़ी कैसी है? तो जी हम लोग आए हैं गिली के शोरूम पे, और लास्ट टाइम हम गए थे एमजी के शोरूम में। आजकल हम थोड़ा सा गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं बिकॉज यू नो थोड़ा चेंज करने के लिए, बिकॉज ये जो गाड़ी हमारे पास है ये है 5 सीटर्स, तो हमें चाहिए बड़ी गाड़ी जिसमें हमारे पास कभी भी गेस्ट आते हैं तो जगह नहीं होती उनको बिठाने के लिए। तो लेट्स सी आज इधर आए हैं। ये इस ब्रांड के बारे में हमने कभी वैसे सुना नहीं था, लेकिन आज पहली बार हम देखने आए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट इज़।
बाबा ने वैसे देख के रखा हुआ है, तो वो आज हमें दिखाने आए हैं। तो ये रहा जी गीली का शोरूम और हम चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड। तो हम लोग ये आपने ये देखा था बाबा? एक मिनट बाबा मुझे पहले बैठने देना, बिकॉज गाड़ी किस गाड़ी साथ साथ आप लोगों के मैंने भी चलानी है, जो आप मुझे कभी कभार जो है मिन्नतें करवा के जो है दे देंगे। तो ये कोई मज़े की गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं। उसके स्पीकर वगैरह जाली वाली सब यही है उसमें, सब सेम है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है। उसका स्टीयरिंग भी ऐसे ही होने वाला है, सिर्फ उसका ये है कि ये जो स्क्रीन है वो यहाँ लगी हुई होगा। तो जी हम लोग यहाँ गाड़ी देखने आए हैं और ये लोग यहाँ पे आके कॉफ़ी पी रहे हैं मज़े से और मैगजीन्स। मम्मी ये घर पे भी हो सकता था जो हम यहाँ पे आके जो है कर रहे हैं। अच्छा वो भी पूछ रही थी लेडी कि वो कहाँ है। अच्छा इधर है, मैंने कहा वो जाके बैठ गई है। बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे? अच्छे लग रहे। पता है क्यों? मैंने क्या करना स्टार्ट किया है, शैम्पू के बाद कंडीशनर करना। पहले मैं नहीं करती थी, आप करती हैं? नहीं, पता क्या होता है जब आप शैम्पू करते हैं ना तो आपके जो बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं हाँ वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं, वो फट जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उसको लॉक करने के लिए कंडीशनर इज इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं पहले नहीं करती थी, आई डोंट लाइक कंडीशनर्स, लेकिन अभी मैंने 3-4 दिन किया है ना मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी हॉट चॉकलेट है मेरी, उन लोगों ने अपनी कॉफ़ी बुक कर ली है, सॉरी ऑर्डर कर लिए है। ये विशाल बैठा हुआ है यहाँ पे और बस अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाड़ियों के कलर, बिकॉज देयर इज वन कार व्हिच इज एवोकाडो। बाबा क्या नाम है गाड़ी का? ओका वैंगो। मैंने कहा एवोकाडो, ओका वैंगो। तो वो आ रही है 2024 में और मेरे बाबा को वो बहुत अच्छी लग गई अभी से। किसको ये गाड़ी का पता है वो हमें बता। हाँ जिसको इस गाड़ी का पता है तो और ब्रांड इसके ब्रांड के बारे में पता तो वो भी, हाँ गीली के बारे में पता तो वो बता दें। तो खैर गीली मैं गीली कर रही हूँ सुबह से बाबा। तो खैर लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन, कीप ऑन वॉचिंग। और मम्मा यहाँ पे मैगजीन देख रही हैं। फ्रेंड्स कॉस्मेटिक तो बहुत ज़बरदस्त है, पीछे की जब गैरेज में जाएंगे वो कैसा होता है। पार्किंग रियर सेंसर, फ्रंट सेंसर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो रोल, ऑटो ट्रैक्शन। हमने सबसे पहले बनाई थी इसके ऊपर डंकी बनाई है, डंकी मूवी इसी चैप्टर के ऊपर, इसी काम अच्छी बना सकता है इसी के ऊपर बनाई है। और उसमें नसीरुद्दीन शाह ने काम किया था। अच्छा, उसमें भी लोग होते हैं इसी तरह डंकी लगाने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, थोड़ी डिफरेंट है बट वो इसी चैप्टर के ऊपर है। और फिर उसके बाद पंजाबियों ने भी बना ली है इसके ऊपर, अभी रिसेंटली पंजाबी मूवीज में भी इन्होंने ये वाला चैप्टर क्लोज वो बजर फनी वे में उन्होंने बनाया था। तो इन्होंने इसके वाकई बहुत ज़बरदस्त मूवी बन सकती है, बहुत अच्छी, और इस पर कम बैक करके भी बना सकते हैं। तो ये तो अच्छी है इन्होंने बनाई है। चलो आओ अभी मामा चलते हैं, मामा आज ही देखने चलते हैं डंकी। बस चलते हैं ना मामा, कसम से बड़ा मज़ा आएगा यार, चलते हैं। खैर छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय कर लो, आप भी चलोगे? सब आओ चलते हैं ना विशाल, आज चलते हैं शाम में 7 बजे का शो रखते हैं, ठीक है? 6 बजे का कर लें बिकॉज जल्दी आएंगे ना फिर हम लोग देख के, देखो शो कितने। और तुम अपने मशरक कार्ड पे ना तुम्हारे ऑफर्स नहीं है। You know, the sister is always the... I'm actually... You know, the same time she's taking video for you. This is a love scene. Okay, so, yes, let's do the complete the booking. 500 dirham and keep the... I've sent it to them. So, ji, hum log car book karne wale hain. वो भी क्या बाबा? एवोकाडो। यार मुझसे नहीं नाम लिया जा रहा बाबा, वो गाड़ी ले रहे हो जिसका नाम ही नहीं आता। ओका वैंगो। ओका वैंगो, लेट्स गो एंड लेट्स पे द मनी। सो विशाल इज गोइंग टू पे। फेमस इन फिलीपीन। आई वाज आल्सो सो द फर्स्ट थिंग ही मेंशनड इट्स फेमस इन फिलीपीन बिकॉज़ ओवर माय लाइफ आई हैड ओनली फिलिपिनो स्टाफ वर्किंग विद मी। I was like mostly looks like also like he looks like that, right? I'm telling him he's from your country.
No, I have been. I am from Pakistan, but I like Filipino stuff always. Like I used to bring Filipino stuff mostly. Okay. So what's the stuff now, Mashallah, you have? Now I have all Arabs. Moroccan, Algerian, Egyptian, all Arabs. Syria. कैसा लग रहा है? अच्छा तुम्हारे नाम पे गाड़ी बुक करी है, कैसा लग रहा है? How do you spell summer? S-A-M? तो बाबा तो गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे बुक, वो भी मिशाल के नाम पे। तो मिशाल आपको कैसा लग रहा है? आपको जो की गाड़ी अभी नहीं मिलने वाली हम लोगों को, वो तब मिलेगी जब मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब हमने So right away they will be available. Exactly. So it's just for keeping the stock available. Like sometime what happens is like when the stock comes, so it goes away. जल्दी चला जाए। जल्दी चला जाए। इसलिए हम लोगों ने उसको just blocked it. Yes. वो पैसे देके block कर रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं। क्या फ्री में तो नहीं होती? बस long ही जरूरत है। तो जी बाबा कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? जी जी फिलहाल समझ में आ रही है AGMC. हाँ मिनी कूपर BMW एंड रोल्स रॉयस कम्स अंडर देम राइट सो आई होप दे विल बी मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह दे विल यल्ला लेट्स गो नाउ व्हाट आर वी गोना डू नेक्स्ट तो अभी हम लोग क्योंकि आए हैं ओएसिस मॉल जो शारजा वाला है क्योंकि मुझे कुछ जूते वगैरह देखने थे अपने लिए तो अभी वहाँ चलते हैं अंदर और जूते देखते हैं सो वी केम टू सेंटर पॉइंट और यहाँ पे इतने मज़े के फैंसी ड्रेसेस लगे हुए हैं एंड आई बिलीव देर एक्सपेंसिव ऑल्सो या ये 299 मतलब 300 का तो ये सिर्फ है और जो मैंने पहना वो भी सेंटर पॉइंट का ही है लेकिन पता नहीं मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती है अब हाँ तो ये रही मैं तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अपने लिए जूते और आई थिंक मैंने 3 पेयर्स लिए हैं उसमें से एक मामा ने लिया अपने लिए तो ये मामा ने लिए हैं अपने लिए और मैं आपको दिखाती हूँ अपने वाले ये है जी दीज आर माई एंड दी अदर वन आई शो यू और ये मैंने जो है ना रेगुलर यूज़ के लिए लिए हैं बिकॉज कभी कभार फ्लैट्स में मेरे पैर दुखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है मेरे ब्लैक ये वाले फ्लैट्स रख दूँगी वापस अंदर और अपने कंफर्टेबल जूते पहनने वाली हूँ तो रखने ही क्या जूते बेटा फेंक दो बाबा हाँ कोई बात नहीं इतना भी नहीं होता तुम भी फूफू की तरह मतलब हो गया फेंक दो ये देखो कौन सी ब्रांड है लड़ाई नहीं वो डिसीजन पे थोड़ा सा वो अपने कपड़ों में रहो जी अपनी चादर में रहो ये हो गया चलें लेट्स गो अब मेरे पैर तो जी मगरिब हो चुकी है और शॉपिंग भी हो चुकी है तो बस अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ और रेस्ट वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं तो जी हम लोग खाना खाने आए हैं नया भांडी और अभी हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग ने ऑर्डर किया है खाना वगैरह तो अभी आएगा फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे जी। ये आ चुका है जी हमारा हांडी और ये आ चुके हैं साथ में नान और ये आ चुके हैं साथ में हमारे कबाब बने राइस अफगानी राइस तो नमकीन खाने के बाद जो है यहाँ पे आ चुका है मीठा ये है गाजर का हलवा और साथ में गुलाब जामुन तो जी हमने खाना वगैरह खा लिया नया भांडी से और अब हम लोग जाने वाले हैं और यहाँ पे मेरे बाबा जो हैं अपनी ग्रीन टी बना रहे हैं वो भी पुदीने की पत्तियों के साथ अच्छा इससे क्या फ़ायदा होता है बाबा इससे आप पुदीने की तरह ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं दिमाग भी ग्रीन हो जाता है और पेट भी ग्रीन हो जाता है बाग बाग हो जाता है ऐसे ही है चले अब हम चलते हैं और मोस्ट प्रोबेबली घर ही जाएंगे हाँ ओके बाबा अल्लाह हाफिज़ Bye. See you at night. तो जी वी आर बैक और सामने आप देख सकते हैं फूफी साहब जो है वो बैग के पास है और जब भी कोई नई चीज़ घर पे आती है या बैग्स वगैरह आते हैं तो वो उसमें सबसे पहले जाके जो है सुनता है और चेक करता है कि क्या चीज़ें हैं तो खैर दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग और लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ गोना हैपन फूफी यहाँ पे जी फुटबॉल खेल रहा है और ये जो है टेप से बना हुआ जो है ना ये चीज़ उससे खेल रहा है मुँह पैर से करवाओ प्लीज ये देखना निशाना कैसे बनाएगा
करो फूफी, फूफी करो, चलो करो, यहाँ से करना करो, मुझे ना देखो। इस घर में सबसे ज्यादा वो मम्मा से डरता है।